हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन का जो स्पिन टाइमर होता है दोस्तों, इसके बारे में जानने वाले हैं। कब स्पिन टाइमर ख़राब और कब अच्छा माना जाता है दोस्तों, और किस तरीके से स्पिन टाइमर काम करता है इसके बारे में जानने वाले दोस्तों। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नया वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे दोस्तों। दोस्तों, यह स्पिन टाइमर जो कि अलग अलग मॉडल के आते हैं दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं। हर वॉशिंग मशीन का अलग अलग मॉडल होता है, लेकिन उसमें दो ही तार इस तरीके से पाया जाता है दोस्तों। एक से फेज को इन और दूसरे से आउट कराया जाता है दोस्तों, और इसके अंदर इस तरीके से कुछ गियर लगे होते हैं दोस्तों, छोटे बड़े, जो कि उसके माध्यम से यहाँ पर टाइमर को सेट किया जाता है दोस्तों। जो कि इसके अंदर दोनों पत्ती लगे होते हैं, जो कि दो तार के माध्यम से पत्ती लगे होते हैं, जो कि यहाँ पर जब टाइमर ऑन रहता है तो दोनों पत्ती आपस में मिल जाते हैं, जिसके वजह से फेज एक तार से दूसरे तार में जाने लगता है दोस्तों। और जब टाइमर बंद होता है तो इस तरीके से दोनों पत्ती आपस से ना मिले होने के कारण यहाँ पर फेज एक तार से दूसरे तार में जाना बंद हो जाता है दोस्तों, जिसके वजह से यहाँ पर मोटर बंद रहेगा। और जब टाइमर को ऑन किया जाता है तो यह पत्ती को आपस में मिलाने का काम करता है, जिसके वजह से जब टाइमर ऑन किया जाता है तो पत्ती मिलने की वजह से एक तार से दूसरे तार में फेज जाने लगता है और मोटर चलने लगता है, स्पिन मोटर चलने लगता है दोस्तों। इस तरीके से इसके अंदर कुछ छोटे बड़े गियर लगे होते हैं, जिस तरीके से बच्चों का खिलौना काम करता है दोस्तों। वहाँ पर चाबी भरने पर गाड़ी आगे की तरफ चलता है, उसी तरह यहाँ पर टाइमर है दोस्तों। जब टाइमर को इस तरीके से ऑन किया जाता है तो वहाँ पर गियर चलने लगता है, टाइमर इस तरीके से चलने लगता है। और जब टाइमर चलने लगता है तो वहाँ पर जो पीछे दोनों तार से पत्ती कनेक्ट है दोस्तों, इस तरीके से इसके अंदर दिख रहा होगा गियर छोटे बड़े लगे हैं, जो कि कुछ गियर तेज़ है और कुछ गियर धीमे चल रहे हैं दोस्तों। जो कि गियर चलने की वजह से जो इसमें दोनों पत्ती लगा हुआ है दोस्तों, वो दोनों पत्ती आपस में मिले हुए हैं, जहाँ पर इस तरीके से दोनों पत्ती दिख रहा होगा आपस में मिले हुए हैं। अब यहाँ पर दोनों पत्ती मिले हुए हैं तो इसमें एक तार से दूसरे तार में फेज जाने लगेगा, जिसके वजह से मोटर ऑन हो जाएगा, मोटर चलने लगेगा दोस्तों। इस तरीके से स्पिन टाइमर काम करता है दोस्तों। कभी कभी यह होता है दोस्तों, जब यहाँ पर इसके पत्ती में दोनों कार्बन आ जाते हैं तब यहाँ से फेज आउट करना बंद कर देता है, जिसके वजह से टाइमर ख़राब माना जाता है दोस्तों। और जब यहाँ पर पत्ती बिल्कुल ठीक रहता है तो यहाँ पर फेज एक से इन और दूसरे से आउट होता है दोस्तों, तो टाइमर सही माना जाता है दोस्तों। इस तरीके से वॉशिंग मशीन का स्पिन टाइमर काम करता है दोस्तों। कभी कभी तो यह होता है जब इसका गियर या इसका स्प्रिंग इसके अंदर का ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों टाइमर यहाँ पर जहाँ पर मूव करके घुमा कर छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर टाइमर रुक जाता है, तब भी टाइमर ख़राब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से करने पर जहाँ पर रुक जाता है टाइमर, वहाँ पर मोटर बराबर चलने लगता है, जिसकी वजह से टाइमर भी ख़राब हो जाता है और कभी कभी तो मोटर भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से इस टाइमर के अंदर इस तरीके से कुछ गियर और कुछ पत्ती लगी होते हैं, जिसके माध्यम से टाइमर को ऑन ऑफ कराया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइमर बंद हो चुका है और दोनों पत्ती आपस से मिले हुए थे तो वो छूट चुके हैं, हट चुके हैं, जो कि यहाँ पर अब मोटर बंद माना जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से स्पिन टाइमर काम करता है दोस्तों।